हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे ट्राई कलर ढोकला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में उतना ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढोकला का बैटर बनाने के लिए मैं एक बॉल में 1.5 कप सूजी ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही को मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है और इसके लिए मैंने हल्का खट्टा दही लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक। अदरक का फ्लेवर सूजी के ढोकले में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1.5 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर इससे भी ज्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए एक साइड पर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक हम ढोकला बनाने का टिन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टील का 7 इंचेस का डिब्बा लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और एक ब्रश की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसे भी एक साइड पर रख देंगे। एक भगोने में मैंने 3 कप पानी ले लिया है। गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसे ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भी फूल चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। इससे हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन लेयर बनाएंगे। इसके लिए मैंने बैटर का 1 हिस्सा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप हरा धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसके लिए मैंने धनिया और हरी मिर्च को एकदम बारीक पीस लिया है। इसे भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो बहुत ज्यादा पतला है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अगर आपको लगे कि आपका बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इनो फ्रूट साल्ट और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा पानी, और इसे भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनो फ्रूट साल्ट डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जो इसमें गैसेस बनती हैं वो निकल जाती हैं। अब हम इसे टिन में पोर कर लेंगे और इसे इस तरह से हिला लेंगे जिससे कि इसका लेवल बराबर हो जाए। हम पानी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है। इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और अब हम इसमें ये अपना टिन भी रख देंगे और इसे एक प्लेट से ढककर 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। मैंने एक किचन टॉवल को प्लेट पर बांध लिया है, इससे जो स्टीम से पानी बनता है वो वापस ढोकले के ऊपर नहीं गिरेगा, सारा पानी हमारा कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम व्हाइट लेयर बनाएंगे। इसके लिए मैंने दूसरा हिस्सा बैटर का ले लिया है और आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसमें डालेंगे। और ये देखिए, हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही रखी है जैसी कि हमने ग्रीन लेयर की रखी थी। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए 1 छोटा चम्मच पानी और इसे बैटर में मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ग्रीन लेयर हमारी पक गई है, ये देखिए। अब हम इसमें व्हाइट लेयर भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम ऑरेंज लेयर बनाएंगे। इसके लिए मैंने तीसरा हिस्सा बैटर का ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गाजर और टमाटर की प्यूरी। इसके लिए मैंने 1/2 गाजर और 1 टमाटर को बारीक पीस लिया है। इसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इनो, 1 छोटा चम्मच पानी और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो गए और हमारी व्हाइट लेयर भी पक गई है। अब हम इसमें ऑरेंज लेयर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से फैला देंगे और अब हम इसे ढककर तेज फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ढोकला भी पक चुका होगा। हम इसे चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक डालकर हम इसमें देखेंगे और आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब ढोकला बन गया है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और ढोकला को हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ढोकला भी ठंडा हो चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ढोकले ने बर्तन के किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे एक चाकू की हेल्प से हम अलग कर लेंगे। अब हम एक प्लेट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हल्के से इसे टैप करेंगे और धीरे से हम इसे उठा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ढोकले में कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है। हम इसे सीधा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ढोकला कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है और इसमें सारे कलर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके लिए एक छौंक तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई और राई को तड़कने देंगे। जब राई तड़क जाए तो इसमें हम 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। साथ ही हम इसमें 15-20 करी पत्ता भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस तड़के को हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं और ये देखिए हमारा ढोकला कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट भी है और इसमें सारे कलर कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए।